नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। हल्द्वानी के विशाल मेगा मार्ट को सामान खरीदने के बाद उसे ले जाने के लिए दिए जाने वाले थैले के लिए अतिरिक्त पैसे वसूलना भारी पड़ गया, जिसको लेकर उपभोक्ता फोरम ने विशाल मेगा मार्ट पर 50,000 रुपये के जुर्माना लगा दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को इस कारण हुई मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपये और वाद व्यय के लिए 2,000 रुपये देने का आदेश भी दिया है। नैनीताल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने नैनीताल निवासी याचिकाकर्ता अधिवक्ता नितिन कार्की की याचिका को सुनने के बाद हल्द्वानी के विशाल मेगा मार्ट पर सामान के साथ थैला न देकर रुपये वसूलने पर 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दरअसल अधिवक्ता नितिन कार्की ने 22 अक्टूबर 2019 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक वाद दायर कर कहा था कि उन्होंने 17 सितंबर 2019 को हल्द्वानी के विशाल मेगा मार्ट से कुछ सामान खरीदा था। उन्होंने बताया कि उसके सामान के बिल के साथ कैरी बैग की कीमत भी जोड़ी गई थी, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा का उल्लंघन है, जिसमें कि उसको कैरी बैग खरीदने के लिए साफ तौर पर मजबूर किया गया दिखता है। याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करने के बाद उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य विजय लक्ष्मी थापा और लक्ष्मण सिंह रावत ने अपने आदेश में कहा कि उनकी नज़रों में विशाल मेगा मार्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अवरोधक व्यापारी व्यवहार और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का अनुसरण किया है, जिसके लिए विशाल मेगा मार्ट के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी और प्रबंधक पर संयुक्त रूप से 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। न्यायालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि इस आदेश के 1.5 महीने के अंदर आयोग के कार्यालय कोष में धनराशि जमा कराई जाए। तो विशाल मेगा मार्ट पर 50,000 का जुर्माना लग गया है, जो 1.5 महीने के अंदर उसे जमा कराना होगा। फिलहाल इस न्यूज़ में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ, क्योंकि जे न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।